नमस्कार और आप देख रहे हैं सीटू न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर असम पहुंचे, स्वागत में 1,00,000 दिए जलाए गए। राज्य में 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, मौजूदा पीढ़ी के कई भाजपा नेता आडवाणी की ही देन। 6 रथ यात्राएं निकली। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, शराब नीति केस में पेश नहीं हुए थे। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस का नोटिस। अधीर रंजन बोले, ममता दीदी बीजेपी से डर गई हैं, इसलिए उन्हीं की भाषा बोल रही। ममता ने कहा था कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। रोहिंग्या मुसलमान मृतकों के आधार पहचान चुरा रहे, मृतकों के अन्य दस्तावेज अपने नाम पर ट्रांसफर अपडेट कर रहे। आतिशी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देगी। कल केजरीवाल के आवास पर 5 घंटे रुके थे अधिकारी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, ठंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कहा लेह कारगिल को संसद में अलग अलग सीट दे। शिवसेना नेता को गोली मारने वाले बीजेपी विधायक ने कहा, एकनाथ शिंदे ने मुझे अपराधी बनाया, वे सीएम रहे तो राज्य में क्रिमिनल बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट ने दी अनुमति। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। मालदीव का आरोप, भारत ने बिना इजाजत मछुआरे से पूछताछ की। कहा हमारे 3 जहाजों पर आए भारतीय कोस्ट गार्ड, भारत सरकार जवाब दे। साउथ कैरोलिना के चुनाव में बाइडेन की जीत, डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में आगे, ब्लैक वोटर्स का सपोर्ट मिला। रूस में सैनिकों की पत्नियों का प्रदर्शन, यूक्रेन में जंग लड़ रहे पतियों की वापसी की मांग कर रही हिरासत में 20 लोग। पीएम ने असम में कामाख्या कॉरिडोर का उद्घाटन किया, यह महाकाल काशी की तरह विकसित होगा। 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन। ज्ञानवापी की सुरक्षा संरक्षण और अधिकार को आखिरी सांस तक लड़ेंगे, मौलाना बातीन नौमानी बोले। पूजा पाठ और सीआरपीएफ की तैनाती, जिला प्रशासन की साजिश। खड़गे बोले, सहदेव वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। अपमान सहकर भी करेंगे बिहार का विकास, मंत्री श्रवण कुमार बोले। डबल इंजन की सरकार से मजबूती मिलेगी, विपक्ष का काम है आलोचना करना। 3 राज्यों में बर्फबारी, हिमाचल में 485 सड़कें बंद, श्रीनगर की सभी फ्लाइट्स कैंसिल। मनाली में तापमान -1.8 डिग्री, राजस्थान यूपी में बारिश का अलर्ट। जेएनयू में एमबीए के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 28 फरवरी तक करें अप्लाई, फीस 1,000 से 2,000 रुपए तक। अंडर-19 वर्ल्ड कप में हो सकता है भारत पाकिस्तान फाइनल, दोनों का सेमीफाइनल जीतना जरूरी, आयरलैंड से हारकर न्यूजीलैंड बाहर। लापता लेडीज के लिए आमिर खान ने दिया था ऑडिशन, करना चाहते थे रवि किशन वाला रोल, बाद में बोला इस किरदार में बेहतर रवि किशन। अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।